खबर जयपुर से है, जहां परिवहन विभाग में मासिक बंदी का खेल। एसीबी की कार्रवाई का अपडेट आपको बता रहे, जहां पर आज भी कुछ जगहों पर सर्च अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई में फरार अधिकारी दलालों की भी तलाशी यहां पर होगी। हिरासत में लिए गए आरोपियों की आज गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उन सभी को पेश किया जा सकता है। आज भी कुछ जगहों पर सर्च अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग में मासिक बंदी का ये खेल है, जहां पर फरार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर से आपको खबर बता रहे, जहां पर आज भी सर्च अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग में मासिक बंदी का ये खेल। एसीबी की कार्रवाई आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्च अभियान आज भी कुछ जगहों पर जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आज भी ये सर्च अभियान जारी रहेगा, बताएं। बिल्कुल अवीना, जिस तरीके से कल एक बड़ा गिरोह सामने आया था परिवहन विभाग के अंदर अवैध वसूली और अवैध बंदी को लेकर के जो एक मामला उजागर हुआ है, अपने आप में एक महाघूसखोरी कांड का पूरा मामला है। क्योंकि ये जो परिवहन विभाग में काफी लंबे समय से ये जो गिरोह था वो सक्रिय था, और खास बात यह है कि इस गिरोह के अंदर जो ये पूरा खेल चल रहा था उसका और मासिक बंदी का जो वसूली का जो ये जो खेल चल रहा था, इसका यहाँ पर एसीबी ने पर्दाफाश किया। ये खेल कोई अभी से नहीं चल रहा लवीना, ये करीब कई सालों से चला रहा है। और ये जो खेल था, ये बेसिकली जो प्राइवेट जो दलाल होते हैं और इसके अलावा जो वाहन मालिकों को धक्का करके जो प्राइवेट दलाल है, ये इनसे वसूली किया करते थे। और सीधे तौर पर जो ये जो वसूली का जो पैसा था वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता था। सिकंजे के अंदर 8 अधिकारी ऐसे फंसे हैं जिसके अंदर परिवहन विभाग के DTO और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी हैं। तो इन सब का मामला यहाँ पर उजागर हुआ है। बड़े नाम इसमें सामने आए हैं, जिसमें उदयवीर है, विनय बंसल है, जिसमें चौमू और शाहजहांपुर के अंदर बड़े बड़े DTO है मनीष महेश शर्मा, ये तमाम DTOs पर यहाँ पर शिकंजा कसा है। और लगातार जिस तरीके से ये कल रात से ही कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर लवीना, ये परसों से चल रही है कार्रवाई। परसों ही यहाँ पर शिकंजा कस लिया था, और जब यहाँ पर कल इस बात की पुष्टि कल हुई है, जब यहाँ पर रंगे हाथों जब यहाँ पर उदयवीर सिंह जो इंस्पेक्टर है और मनीष मिश्रा जो एक दलाल है, इन दलाल के मार्फत जो राशि जानी थी वो यहाँ पर वो अधिकारियों को दी जानी थी, जब एसी ने अपने रडार पर इनको लिया तो यहाँ पर रंगे हाथों उनको दबोच लिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो बड़े नाम खुलासे हुए, उसके बाद 8 नामों का यहाँ पर खुलासा हुआ। फिलहाल एसीबी की जो कार्रवाई है लगातार यहाँ से जारी है, मगर एक जब यहाँ पर तलाशी अभियान लिया गया तो यहाँ पर बात सामने आई कि जो जितने प्राइवेट ट्रांसपोर्टर थे वो ये दलाली सीधे तौर पर अधिकारियों को नहीं देते थे, लेकिन ये दलाली सिर्फ दलालों के मार्फत जाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है जो सक्रिय था, इसका यहाँ पर एसीबी ने भंडाफोड़ किया है। लगातार कार्रवाई जारी, और 1,20,00,000 रुपए की जो बड़ी नकदी थी वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पर कल बरामद हुई थी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के जो भारी दस्तावेज है, जो इस दलाली से आई हुई जो रकम थी उससे यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी वो यहाँ पर उसके कागजात यहाँ पर एसीबी ने 10 जब्त किए हैं। इसके अलावा मुख्य बात जो सामने निकल कर आई है वो है, एसीबी के पास 5 बड़ी सूचियां मिली है, 5 से 7 सूचियां ऐसी मिली है जिसमें जो दलालों के नाम है, उन दलालों के मार्फत कितनी जो राशि है अब तक परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहुंचाई गई है, किस किस अधिकारी के पास ये जो राशि थी वो अब तक जा चुकी है, इन सब की सूची है जो एसीबी ने जब्त की है, और कौन कौन इन अधिकारियों के संपर्क में दलाल थे उनकी भी सूची यहाँ पर सामने आई है। फिलहाल एसीबी की इस कार्रवाई के बाद तमाम जो दलाल थे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, और जो जो इसके अंदर दोषी है उन दलालों के लिए यहाँ पर एसीबी की टीम है वो लगातार। जी यादवेंद्र, परिवहन विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन जो लोग हिरासत में लिया गया है उनसे किस तरीके से पूछताछ की जा रही है और अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए लवीना, मैं आपको बता दूं कि अभी हिरासत में नहीं लिया गया है इनको, सबको निरुद्ध किया है, इनको डिटेन किया है, इनके घर पर भी और छापेमारी चल रही है, क्योंकि 17 जगहों पर पूरी छापेमारी की है और करीब 17 जगहों पर एक साथ एसीबी ने रेड मारी थी, और वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है, उनके तमाम कागजातों को और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि बड़े स्तर पर ये पूरा खेल चल रहा था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहाँ ये पैसा इन अधिकारियों के मार्फत और कहाँ किन किन लोगों के पास जाता था और कौन कौन से लोग इसके अंदर, कौन कौन बड़े अधिकारी IAS जो अधिकारी हैं वो इसके अंदर लिप्त हैं, इन सबकी जांच है। कहीं ना कहीं संदिग्ध और संदेह के घेरे में यहाँ पर एसीबी की टीम है जो फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जिनको डिटेन किया, जिनको निरुद्ध किया, उनको यहाँ पर एसीबी की टीम है उनके खिलाफ यहाँ पर उनको गिरफ्तार आज करेगी, और गिरफ्तारी के बाद आज उनको कोर्ट में पेश करेगी। निश्चित तौर पर आपसे कुछ देर में ये गिरफ्तारी शो होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि खेल छोटा नहीं है लवीना, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है।
1,20,00,000 रुपए की जो नकदी बरामद हुई है वो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के जरिए बरामद हुई है। तो ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर थे, ये कौन कौन जो ट्रांसपोर्टर थे, किन किन दलालों के मार्फत, किन किन अधिकारियों से जुड़े हुए थे और इसका मकसद क्या था, आखिरकार क्यों ये मासिक बंदियां देते थे, इन सब की यहाँ पर जांच की जाएगी। क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मिलीभगत है, क्या ये अनियमितता है, जो या जो ट्रांसपोर्ट थे वो खरे नहीं उतर रहे थे मानकों पर, और फिर भी उसके बावजूद जो ये अधिकारी थे इनको यहाँ पर धमका करके, डरा धमका करके कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। ये जब सवाल निकाल करके सामने आएगा, इसका जब जवाब निकाल करके सामने आएगा, वो भी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बिना किसी डरा धमका करके अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ पर मासिक बंदी दे रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसकी कोई कमियां होगी उसके अंदर, ट्रांसपोर्टर के अंदर, या वो सरकारी जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों पर वो ट्रांसपोर्टर है वो खड़े नहीं उतर रहे। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी यादवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, परिवहन विभाग में मासिक बंदी का ये खेल और लगातार सर्च अभियान आज भी कई जगहों पर जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में और कुछ क्या कुछ अब सामने आता है।